गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको चैप्टर 9 परसेंटेज की एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 कराऊंगी। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने 9.1 कंप्लीट करा दी है। आज मैं आपको 9.2 जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस है वो समझाऊंगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं। देखिए प्रॉफिट से पहले हम कॉस्ट प्राइस समझते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कौन सा प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में CP बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस द प्राइस इज द मनी पेड बाय अ शॉपकीपर टू बाय अ गुड्स। इन अदर वर्ड्स द अमाउंट पेड बाय अ शॉपकीपर टू परचेज एन आर्टिकल इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस अमाउंट में हम किसी चीज़ को बेचते हैं या फिर कोई शॉपकीपर खरीदता है उस चीज़ को, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब कुछ सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल। सेल्स प्राइस क्या होता है, कि जिस किसी चीज़ को, किसी आर्टिकल को जिस अमाउंट में हम सेल करते हैं वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस अमाउंट पे हम उसको बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब निकलते हैं हम, प्रॉफिट कब होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। क्योंकि हम कोई चीज़ अगर हम कम रेट में ख़रीद रहे हैं और उसको ज़्यादा रेट में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा आएंगे। जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आया वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होता है, लॉस जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। जब हमने कोई चीज़ ज़्यादा महंगी खरीद ली होती है और हम उसको उसे कम रेट में बेच रहे होते हैं, तब हमें उसे क्या होता है, उस अमाउंट पर लॉस होता है। तो देखिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न और प्रैक्टिस दोनों करने हैं। तो देखिए पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है, जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। लॉस कब होता है, जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस का बिल्कुल अपोजिट होता है, कि हमने कोई चीज़ ज़्यादा महंगी खरीद ली है और बेच कम में रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है। जब हमने ज़्यादा में बेच दी और हमने खरीदी कम में थी तो हमें प्रॉफिट हो गया। अब परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, जो हमने प्रॉफिट इन रुपीज़ में निकाला। परसेंटेज जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो प्रॉफिट इन रुपीज़ कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसी तरह लॉस परसेंटेज में लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। देखिए अब सेलिंग प्राइस निकालने को अगर वो बोलता है, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। सिमिलरली अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा हो और सेलिंग प्राइस निकालने का बोला गया हो, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस, लॉस माइनस होता है, प्रॉफिट प्लस होता है, तो लॉस माइनस हो गया अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। इन द अदर हैंड्स अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालने का बोलता है, अगर हमारे को हमें उसने दिया है कि सेलिंग प्राइस इतना है, प्रॉफिट इतना है, तो CP निकालिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई SP। और अगर हमें लॉस दे रहा है कि लॉस हो रहा है और सेलिंग प्राइस गिवन है, तो अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई CSP। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, मैंने आप इंपॉर्टेंट थे इसलिए आपको कराना ज़रूरी समझा। इसके बाद हम एक्सरसाइज देखते हैं इसके आगे की। इसके आगे अब हम एक्सरसाइज 9.2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ शर्ट इज सोल्ड फॉर ₹635 एट अ गेन ऑफ 27%, फाइंड द गेन। देखिए गेन का मतलब प्रॉफिट ही होता है, कि कितना प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 27% और सेलिंग प्राइस दिया है 635। तो हमें यहाँ पे निकालना है प्रॉफिट इन रुपीज़ निकालना है। परसेंटेज में तो दिया हुआ है 27% है, अब हमें इन रुपीज़ में निकालना है। देखिए हम जब हमारे पास दो चीज़ होती हैं, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज, हमें तो हम सबसे पहले अगर हमें कुछ भी निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो सबसे पहले हमें CP पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो हम CP निकालेंगे। CP के लिए फॉर्मूला होता है 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई SP। तो CP इक्वल टू 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज क्या दिया था, 27% दिया था, और SP क्या है, 635। सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको मैं काटूंगी, 5 टर्म्स एलिमिनेट हो जाएगा 127 से। आप किसी और छोटे टेबल से भी काट सकते हैं, मगर मुझे यहाँ दिख रहा था तो मैंने डायरेक्ट 5 से काट दिया। और 100 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 500। तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल गया था, क्योंकि उसने वो शर्ट कितने में खरीदी थी, 500 रुपीज़ में खरीदी थी। इसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट इन रुपीज़। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। तो सेलिंग प्राइस हमें दिया था, कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया, 635 हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे
और कॉस्ट प्राइस हमने निकाला 500, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ इन रुपीज़ में 135। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, बाय सेलिंग अ नोटबुक, एक नोटबुक है, किताब है, कॉपी है, जिसको सेल करने में 16.5 रुपीज़ में सेल किया जाता है। अ शॉपकीपर लॉसेस 12%, उसको 12% का नुकसान होता है। व्हाट इज़ अ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस है और लॉस दिया है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई SP। तो यहाँ पर हम लॉस की जगह लॉस रख देंगे, लॉस क्या था 12% का, SP की जगह SP रख देंगे। तो 100 में से ये 12 गया तो हमें मिलेगा 88 मल्टीप्लाई 16.5। देखिए, यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद दो नंबर हैं, तो अपॉन में कितने जीरोज आ जाएंगे, दो जीरो। इसको हम सॉल्व कर लेंगे 2 के टेबल से कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा 82/44 डिवाइड करके हमें मिलेगा कॉस्ट प्राइस ₹18.75। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। अब उसने निकालने का बोला तो लॉस कितना हुआ, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो लॉस निकल के आता है। लॉस क्या होगा, CP है हमारा 18.75 जो हमने अभी निकाला है, और SP दिया था 16.50, तो उसको कितने रुपये का लॉस हो गया, 2.25, 2.25। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, अ डीलर बॉट 100 क्विंटल्स ऑफ राइस एट ₹700 पर क्विंटल, ही सोल्ड 50 क्विंटल एट ₹1000 पर क्विंटल एंड रिमेनिंग एट द 800 पर क्विंटल, फाइंड हिज गेन और गेन परसेंट। देखिए, एक डीलर है, एक दुकानदार या डीलर बोल सकते हैं हम, तो उसने 100 क्विंटल चावल खरीदा ₹700 पर kg के हिसाब से। तो देखिए, 100 क्विंटल का कॉस्ट प्राइस अगर उसने खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 100 क्विंटल का। अगर एक किलो का 700 प्राइस है तो 100 क्विंटल का कितना हो जाएगा, एक क्विंटल का अगर 700 है तो 100 क्विंटल का हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 70,000। अब वो बोल रहा है उसने 50 क्विंटल उसमें से बेचा ₹1000 के रेट से, ₹1000 पर क्विंटल के रेट से, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 क्विंटल, अभी वो उसने बस खरीदा था, इसके बाद वो बेच रहा है, जिसमें से वो 100 में से 50 क्विंटल वो ₹50 के हिसाब से बेच रहा है, तो ₹50 के हिसाब से कितना बेच रहा है, 50 क्विंटल कितना बेच रहा है ₹1000 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसने 50 क्विंटल 50,000 का बेचा। और बाकी का बचा हुआ, बाकी कितना बचा, टोटल कितना था उसके पास, 100 क्विंटल था, जिसमें से 50 बेच दिया, बाकी का जो 50 था उसने ₹800 पर क्विंटल के हिसाब से बेचा। तो बाकी के जो 50 क्विंटल है तो उसका हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, तो 50 का मल्टीप्लाई 800 करेंगे, तो जो बाकी का राइस था उसके पास 50 क्विंटल, उसको उसने कितने में बेचा, ₹40,000 में। तो देखिए, 50 क्विंटल बेचा ₹50,000 में, बाकी का 50 क्विंटल 40,000 में, तो दोनों जो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, दोनों का सेलिंग प्राइस हो 100 क्विंटल, तो इन दोनों के प्राइस को ऐड कर देंगे, तो उसने टोटल 100 क्विंटल जो राइस था वो बेचा 90,000 रुपीज़ में। देखिए, अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि कॉस्ट प्राइस कितना था 100 क्विंटल का, 70,000, और सेलिंग प्राइस कितना है, 90,000। देखिए, उसने 70,000 में ख़रीदा और 90,000 में बेच दिया, तो उसने ज़्यादा में बेचा। जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस क्या ज़्यादा है, ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा, प्रॉफिट। हम लगाएंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, प्रॉफिट इक्वल टू SP। SP क्या है, 90,000 रुपये माइनस CP क्या है, 70,000, तो प्रॉफिट क्या निकल के आएगा, 20,000। इसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज भी हमें निकालना है, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लेंगे। देखिए, इसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, हमने निकाला 20,000 का, कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा था उसने, 70,000 में, और मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो चार कैंसिल हो गई, 2 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 200/7, तो हमारा जो हम इसको डिवाइड करेंगे मिक्सड में 200 का 7 से, तो हमारे पास आ जाएगा 28/4/7%। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 33/1/3%, अ बाइसाइकिल मस्ट बी सोल्ड फॉर ₹2400, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखिए, प्रॉफिट कितना हो रहा, 33/1/3%, 33 होल को हम मिक्स से नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में 33 जा 39, 100/3 फ्रैक्शन, 100/3%, ठीक है। तो इसके बाद हम सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है, हमें निकालना क्या, CP, तो हम CP का फॉर्मूला लगाएंगे जो प्रॉफिट वाला है, तो 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई SP, CP निकालेंगे, तो 100 प्लस
प्रॉफिट क्या था, 100/3% प्लस एस पी है 2400। देखिए ये 100 है, ये 100/3 है, तो एक फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, मिक्स्ड में उसमें कर लेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 और 1 के एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, 1 के टेबल में 3 टर्म्स आते हैं, मल्टीप्लाई 100 300, 3 के टेबल में 3 1 टर्म आता है, 1 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 100। ठीक है, इसके बाद ये 3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवीजर में है इसके, तो देखिए इसके बाद ये ऊपर चला गया और 300 को अगर हम 100 से प्लस करेंगे, 300 + 100 400 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई 2400, 100 × 300 400 × 2400 सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गए और 4 6 = 24, 6 3 = 18, 300 बचा यहाँ, 6 बचा और 6 3 = 18 00, तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 1800। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, अ सोफा इज सोल्ड फॉर ₹2645 एट अ लॉस 8%, व्हाट विल द गेन और लॉस परसेंट इफ ही सोल्ड 3105। ठीक है, बोल रहा है कि अगर एक सोफ़ा इतने रुपीज़ में बेचते हैं तो 8% का लॉस होता है, अगर उसको इतने रुपीज़ में बेचा जाए तो उसको कितने रुपीज़ का लॉस या प्रॉफिट होगा, तो हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस है, लॉस दिया है, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कि उसका ख़रीदा कितना था, उसमें उसने जो सोफ़ा ख़रीदा था वो कितने में ख़रीदा था, तो देखिए लॉस और सेलिंग प्राइस दिया है तो लॉस सी पी निकालेंगे, तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सी एस पी, लॉस की जगह 8 रख दिया, एस पी की जगह 2645, 100 में से 8 गया 92 और ये 2645, इसको मैंने सॉल्व कर लिया 2 के टेबल से, तो ये हमारा आया है 2875, कॉस्ट प्राइस आ गया 2875, मतलब कि उसने जो ख़रीदा था वो 2875 में ख़रीदा था। अगर कॉस्ट प्राइस इतना है, अब वो उसको कितने में बेचना है, 3105 में बेचना है, तो देखिए इतने में ख़रीदा, अब वो उसको 3105 रुपये में बेचना चाह रहा है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो उसको प्रॉफिट ही होगा, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट होगा जब वो ज़्यादा में बेच रहा है, जबकि उसका प्रॉफिट था, कॉस्ट प्राइस था 2875, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज़ अ प्रॉफिट। फिर हम प्रॉफिट का फॉलोइंग फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी, और हम एस पी में से सी पी को माइनस कर देंगे, देखिए एस पी के 3105 है, सी पी के 2875, प्रॉफिट को प्रॉफिट करें निकालेंगे तो उसको माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा 230 रुपीज़ का, उसको क्या हुआ प्रॉफिट, हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, तो होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100, ये जो प्रॉफिट होता है ना ये इन रुपीज़ में होता है और ये परसेंटेज में होता है, तो हम निकालेंगे, देखिए प्रॉफिट रखेंगे, प्रॉफिट रख देंगे तो क्या निकल के आएगा, 230/2875 कॉस्ट प्राइस था मल्टीप्लाई 100, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 8% आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, दिया हुआ है विष्णु सेल वॉच फॉर ₹1200 ईच, ऑन वन वॉच ही गेन 20%, ऑन अदर ही लॉसेस 20%, व्हाट आर द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच एंड व्हाट इट्स नेट गेन और लॉस परसेंटेज। देखिए विष्णु के पास दो घड़ी हैं जिसमें उसने 1200 रुपये में दो सेल की, मतलब दोनों, एक को 1200 में सेल किया, दो को कितने में किया होगा 2400 में किया होगा, मगर उसको एक पे 20%, एक वॉच को बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, वहीं पर उसे एक वॉच को बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है, तो उसे टोटल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो निकालना है। देखिए सेलिंग प्राइस और टू वॉच, एक वॉच अगर 1200 की है, दो कितने की होगी 2400। अब हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस चेक करने के लिए, अगर सेलिंग प्राइस एक वॉच का 1200 है और एक वॉच को उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो हम यहाँ से सी पी निकालेंगे, सी पी क्या है हमारा 1000। अब दूसरा निकालेंगे, अब दूसरी वॉच क्या है, दूसरी भी उसने 1200 में बेची मगर उसको दूसरे पे क्या हुआ, लॉस हुआ 20% का, तो सी पी क्या रहा होगा इसका, तो सी पी रहा होगा इसका 1500। पहले इसका सी पी क्या था, अब देखिए दोनों वॉच का हम सी पी निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू वॉच, पहले हमारी जब प्रॉफिट हो रहा था तो उसने 1000 रुपये में कॉस्ट प्राइस था, दूसरे पे क्या हो रहा था उसमें कॉस्ट प्राइस 1500, तो दो वॉच का सी पी आ गया 2500 और दो हमने टू वॉच का एस पी हमें दिया ही हो रहा 2400। तो देखिए कॉस्ट प्राइस 2500, 2500 में उसने दो वॉच खरीदी और उसने बेची कितनी में 2400 में, तो उसको क्या हुआ नुकसान हुआ, कम में बेची, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा लॉस होगा, लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, सी पी की जगह सी पी रखेंगे, एस पी की जगह एस पी, और लॉस हमारा निकल के आएगा 100 रुपीज़। इसके बाद हम लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे, तो लॉस परसेंटेज क्या होता है,
लॉस परसेंटेज होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो लॉस 100 रुपीज़ का लॉस हुआ, सीपी हमारे पास है 12500 मल्टीप्लाई 100। सॉल्व कर लेंगे तो लॉस आ गया हमारे पास 4%। ओवरऑल उसको क्या हुआ, 4% का लॉस हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जे एम और एन, ये तीन क्वेश्चन सिर्फ आपको खुद से करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे मैंने कराए हैं वैसे ही होंगे। ये तीन क्वेश्चन आप करिएगा और एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो नोटबुक में कर लीजिएगा, इसके अलावा तीन क्वेश्चन और आपको करने हैं और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 9.2 और चैप्टर 9 भी कंप्लीट हो गया है।